2020 के पहले मन की बात में प्रधानमंत्री ने गणतंत्र दिवस की बधाई दी, लोगों के मन में कैन डू का भाव उभारने की अपील की। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से हिंसा छोड़ने की अपील की, कहा हिंसा समस्या का समाधान नहीं, मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाएं। ब्रूरियांग शरणार्थियों पर पीएम मोदी का बयान, 23 साल तक जीवन था नर्क, अब त्रिपुरा में सबको घर मिलेगा, 600 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। पीएम मोदी ने खेलो इंडिया की मेजबानी के लिए असम सरकार और वहां के लोगों को बधाई दी, कहा खेल भावना देश को आगे बढ़ाने में मदद करती है। प्रधानमंत्री ने गुवाहाटी में पूर्णिमा मंडल को बधाई दी, पूर्णिमा के बच्चों ने खेलो इंडिया में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। अटारी बॉर्डर पर बीटिंग रिट्रीट में बीएसएफ के जवानों का जोश दिखा, जवानों ने 6 फुट तक पैर उठाकर दुश्मनों को ललकारा। बीटिंग रिट्रीट देखने के लिए दर्शक दीघा में पहुंचे, देश भर से लोग हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और ये आवाज पाकिस्तानी इलाकों में भी गूंजी। बीएसएफ की महिला अफसर कदम ताल करते हुए बॉर्डर के गेट तक पहुंची, महिला जाबाजों ने तिरंगे को सलामी दी। मीटिंग रिट्रीट में जोर जोर से वंदे मातरम का भी नारा लगाते दिखे जवान, लोगों ने हौसला बढ़ाया। देश मना रहा है 71वां गणतंत्र दिवस, राजपथ पर दुनिया ने देखा भारत की आन बान और शान को। राजपथ पर सेना की तीनों टुकड़ियों ने दिखाई अपनी ताकत, ब्राजील के राष्ट्रपति जेरो बोल्सोनारो रहे मुख्य अतिथि। राजपथ पर वायु शक्ति का भी दम दिखा, आसमान में गरजे सुखोई, हरक्यूलिस और जैगुआर विमान। 5 MiG-29 फाइटर प्लेन ने एरो हेड फॉर्मेशन बनाई। राजपथ पर देखे हिंदुस्तान की हवाई ताकत, त्रिशूल फॉर्मेशन बनाकर तीनों सेनाओं की शक्ति का नजारा पेश किया गया। 3 डोनियर विमानों ने विंग फॉर्मेशन बनाकर दम दिखाया, विंग कमांडर एसके चौहान ने फॉर्मेशन का नेतृत्व किया। सुपर हरक्यूलिस विमानों ने आसमान में बनाया विक्ट्री का साइन, 300 मीटर की ऊंचाई पर 350 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरी। आसमान में हिंदुस्तान के नेत्र ने भी उड़ान भरी, अर्ली वार्निंग रडार से लैस विमानों ने भी करतब दिखाए। हवा में 3 C-17 ग्लोब मास्टर फाइटर जेट्स ने भी ग्लोब फॉर्मेशन बनाई, 500 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरकर दम दिखाया। 5 जैगुआर विमानों ने बनाया एरोहेड फॉर्मेशन, जैगुआर विमान दुश्मन के खेमे में घातक और सटीक निशाना लगाने के लिए मशहूर। 5 MiG-29 विमानों ने हवा में बनाया फल्क्रम एरोहेड फॉर्मेशन, हवा से हवा और हवा से जमीन तक दुश्मन को तबाह करने में सक्षम। अत्याधुनिक सुखोई 30 फाइटर जेट ने अपनी ताकत दिखाई, आकाश में त्रिशूल फॉर्मेशन बनाई। सुखोई 30 विमान ने 900 किलोमीटर की रफ्तार से उड़ान भरकर वर्टिकल फॉर्मेशन बनाए, करतब देखकर लोग दंग रह गए। चिनूक हेलीकॉप्टर्स ने भी बनाया विक्ट्री फॉर्मेशन, 100 मीटर की ऊंचाई पर 180 किलोमीटर की स्पीड से करतब दिखाए। आसमान में 5 अपाचे हेलीकॉप्टर्स ने भी अपना दम दिखाया, हवा से हवा और हवा से जमीन पर दुश्मन को तबाह करने में सक्षम। गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा T-90 भीष्म टैंक, 125 mm की शक्तिशाली स्मूथ बो गन और 12.7 mm एंटी एयरक्राफ्ट गन से लैस है T-90 टैंक। अगला दस्ता BMP-2 टैंक का रहा, रात के अंधेरे में भी 4 किलोमीटर तक शत्रुओं के ठिकाने को तबाह करने में सक्षम। सेल्फ प्रोपेल्ड होविट्ज़र K-9 टैंक भी राजपथ की शोभा बढ़ाता दिखा, रेगिस्तानी इलाकों के लिए सबसे मुफीद है। राजपथ पर धनुष गन सिस्टम ने भी हुंकार भरी, ऑटोमेटिक गन अलाइनमेंट और पोजिशनिंग में महारत। आकाश मिसाइल ने राजपथ की बढ़ाई शोभा, स्वदेशी तकनीक से विकसित पहली मिसाइल प्रणाली है आकाश। राजपथ पर दिखा पैराशूट रेजिमेंट का पराक्रम, इस रेजिमेंट को अब तक 8 अशोक चक्र, 14 महावीर चक्र और कई बहादुरी पुरस्कार मिल चुके हैं। ग्रैंडियस रेजिमेंट के दस्ते ने भी राजपथ की शान बढ़ाई, 3 परमवीर चक्र, 2 अशोक चक्र जैसे कई सम्मान हासिल किए। राजपथ पर केसरिया पगड़ी में दिखे सिख लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के जवान, 1 अशोक चक्र, 5 महावीर चक्र प्राप्त करने का गौरव हासिल। राजपथ पर अगला दस्ता रहा कुमाऊं रेजिमेंट के जवानों का, अब तक 2 परमवीर चक्र, 4 अशोक चक्र, 2 पद्मभूषण से सम्मानित किया जा चुका है कुमाऊं रेजिमेंट। कैप्टन तानिया शेरगिल ने इतिहास रचा, कोर ऑफ सिग्नल जवानों के दस्ते को लीड किया। कोर ऑफ सिग्नल्स ने अपने साहस से अब तक 1 अशोक चक्र, 36 परम विशिष्ट सेवा मंडल हासिल किए हैं। आर्मी एयर डिफेंस की टुकड़ी ने पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया, अब तक 2 अशोक चक्र, 2 कीर्ति चक्र और 20 वीर चक्र से सम्मानित हो चुका है। नौसेना के मार्चिंग दस्ते ने बढ़ाई गणतंत्र की शान, 144 युवा सैनिकों समेत समुद्री सीमा के रक्षक परेड में शामिल रहे। एयरफोर्स के मार्चिंग दस्ते की अगुवाई फ्लाइट लेफ्टिनेंट श्रीकांत शर्मा ने की, आकर्षक वेशभूषा से सजे जवानों ने 12x12 की फॉर्मेशन में मार्च किया। राजपथ पर 61 कैवलरी के दस्ते ने हिस्सा लिया, विश्व में अपनी तरह का अकेला सक्रिय घुड़सवार रेजिमेंट होने का गौरव हासिल। गणतंत्र दिवस की परेड में आम बैंड दस्ता भी शामिल हुआ और सालदा मेजर राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में धुन बजाई गई। गोरखा राइफल्स के 80 बैंडवादकों ने भी परेड निकाली, सूबेदार गोपाल सिंह की अगुवाई में बजाया विजय रथ नाम का धुन। भारतीय नौसेना के प्रसिद्ध ब्रास बैंड ने भी राष्ट्रपति को सलामी दी, मास्टर चीफ अपीडी ऑफिसर विसन जॉनसन के नेतृत्व में परेड निकाली गई। परेड में 3 ड्रम मेजर और 72 बैंडवादकों का दस्ता निकला, साउंड बैरियर क्विक मार्च नाम की धुन बजाई। राज्यों की झांकियों में सबसे पहले निकली छत्तीसगढ़ की झांकी,
जनजातीय समाज की शिल्पकला और सौंदर्य को प्रदर्शित किया गया। तमिलनाडु की झांकी में अय्यनार देवता की प्रतिमा को खास तौर पर दिखाया गया। झांकी के साथ परंपरागत पोशाक में कलाकार दिखे। राजस्थान की झांकी में देखी गुलाबी नगरी जयपुर शहर की धरोहर। झांकी में वैदिक वास्तुशैली में डिजाइन किए गए शहर को दर्शाया गया। राजस्थान के बाद तेलंगाना की झांकी में बदुकंपा त्योहार की झलक दिखी। फूलों के इस पर्व को राज्य पर्व के तौर पर मनाया जाता है। असम की झांकी में बांस और बेंत की अनूठी शिल्पकला दिखी। बांस की चटाई, टोकरियां और मछली पकड़ने के अलग अलग सामान भी नजर आए। असम के बाद हिमाचल प्रदेश की झांकी निकली। इस झांकी में कुल्लू घाटी के विश्व प्रसिद्ध दशहरे मेले को दर्शाया गया। मध्य प्रदेश की झांकी में भोपाल के जनजातीय संग्रहालय को दर्शाया गया। झांकी के आगे आदिम जनजाति सहरिया के घर के बाहरी हिस्से की झलक दिखी। एमपी के बाद भारत के पश्चिमी तट पर स्थित गोवा की झांकी निकाली गई, जिसमें राज्य की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत की झलक दिखी। ओडिशा की झांकी में भगवान लिंगराज की रथ यात्रा की झलक। छठी शताब्दी में भुवनेश्वर में बने लिंगराज मंदिर में होती है भगवान शिव और विष्णु की पूजा। मेघालय की झांकी में पूर्वी खासी हिल्स जिले के नगरियात गांव को दर्शाया गया। घुमावदार पहाड़ियों के बीच वनस्पतियों से घिरा है ये गांव। गुजरात की झांकी में पाटन शहर की स्थापत्य कला की बेजोड़ तस्वीरें दिखी। विश्व विरासत स्थल में शामिल एकमात्र रानी की बावड़ी की भी झलक दिखी। आंध्र प्रदेश की झांकी में संस्कृति और परंपरा के दर्शन हुए। तिरुमाला तिरुपति ब्रह्मोत्सव और कुचिपुड़ी नृत्य की मूर्तियों के दर्शाया गया। उत्तर प्रदेश की झांकी में सांस्कृतिक और धार्मिक पर्यटन स्थलों को दिखाया गया। बाराबंकी के देवा शरीफ के सूफियाना मिजाज की झलक दिखी। कर्नाटक की झांकी में मानव इतिहास में पहली धार्मिक और सामाजिक संसद के दर्शन हुए। बसवेश्वर के दर्शन शास्त्र और अनुभव मंडल को दिखाया गया। पहली बार केंद्र शासित राज्य जम्मू कश्मीर की झांकी परेड में शामिल हुई। सांस्कृतिक जीवन, पारंपरिक कला और शिल्प को दिखाया गया। पंजाब की झांकी में गुरु नानक देव के 550वें प्रकाश पर्व को थीम बनाया गया। हाथ में मन का माला और कमंडल दर्शाया गया। नौसेना ने अपनी झांकी में ताकत और मारक क्षमता का प्रदर्शन किया। समंदर और आकाश दोनों में दुश्मन को नेस्तनाबूद करने में सक्षम बताया। एयरफोर्स की झांकी में दिखाया गया अत्याधुनिक लड़ाकू विमान राफेल और तेजस जैसे विमान। आकाश मिसाइल सिस्टम भी प्रदर्शित। राजपथ पर डीआरडीओ ने दिखाई ताकत, एंटी सैटेलाइट वेपन शक्ति को प्रदर्शित किया। राजपथ पर निकली पूर्व सैनिकों की झांकी, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने जांबाजों को अभिवादन किया। राजपथ पर परेड से पहले पीएम मोदी ने वॉर मेमोरियल पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। पहले अमर जवान ज्योति पर शहीदों को याद किया जाता था। 71वें गणतंत्र दिवस पर बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी मुख्यालय पर तिरंगा फहराया। 5 दिन पहले ही अध्यक्ष बने हैं। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दिल्ली में अपने निवास पर फहराया तिरंगा। झंडे को सलामी देकर गणतंत्र दिवस मनाया। नड्डा के एलजी आर के माथुर ने लेह में पोलो ग्राउंड में तिरंगा फहराया। रिपब्लिक डे समारोह को देखने के लिए हजारों लोग जुटे। गणतंत्र दिवस पर लद्दाख में भारतीय सेना का पराक्रम। 17,000 फीट की ऊंचाई पर भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों ने तिरंगा फहराया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में भी गणतंत्र दिवस की धूम। डिप्टी कमिश्नर ने कीलोंग जिले में 10,000 फीट की ऊंचाई पर तिरंगा फहराया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दिल्ली में अपने आवास पर तिरंगा फहराया। कर्मचारी और आम लोगों की मौजूदगी में गणतंत्र दिवस मनाया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में अपने सरकारी आवास पर तिरंगा फहराया। झंडे को सलामी देने के बाद मिठाइयां बांटी। केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने दिल्ली में अपने आवास पर गणतंत्र दिवस मनाया। तिरंगा फहराने के बाद देशवासियों को शुभकामनाएं दी। नागपुर में आरएसएस मुख्यालय पर मनाया गया गणतंत्र दिवस। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जनरल सेक्रेटरी भैयाजी जोशी ने तिरंगा फहराया। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मुंबई के शिवाजी पार्क में तिरंगा फहराया। लोगों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। जयपुर में भी धूमधाम से गणतंत्र दिवस मनाया गया। सीएम अशोक गहलोत ने चौपड़ पर तिरंगा फहराया। गोवा में भी 71वें गणतंत्र दिवस का आयोजन। राज्यपाल सतपाल मलिक गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में शामिल। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने गणतंत्र दिवस पर आयोजित परेड में लिया हिस्सा। त्रिवेंद्रम में पुलिस के जवानों ने सलामी दी। तमिलनाडु के राज्यपाल ने चेन्नई में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। मुख्यमंत्री पलनीसामी भी शामिल हुए। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में गणतंत्र दिवस पर राज्यपाल गणेशी लाल ने तिरंगा फहराया। पुलिस के जवानों ने हैरतअंगेज स्टंट दिखाए। सीएए के खिलाफ प्रदर्शन कर रही महिलाओं ने मनाया जश्न गणतंत्र। शाहीन बाग में तिरंगा फहराया। राष्ट्रपति भवन में एट होम रिसेप्शन में शामिल हुए पीएम मोदी। ब्राजील के राष्ट्रपति मुख्य गेस्ट बने। अयोध्या के मोहम्मद शरीफ को भी दिया गया पद्मश्री। दिया जाएगा पद्मश्री। अब तक 5,500 लावारिस शवों का अंतिम संस्कार कर चुके हैं। पीडीपी नेता मुजफ्फर हुसैन भाई को पद्म भूषण सम्मान का पुरस्कार मुझे नहीं जम्मू और कश्मीर के लोगों को मिला। मध्य प्रदेश के इंदौर में कांग्रेस के दो नेता आपस में भिड़े। हंगामा शांत होने के बाद सीएम कमलनाथ ने तिरंगा फहराया। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में पुलिस और बीजेपी युवा मोर्चा में झड़प। पूजा कार्यक्रम रोकने पर पुलिस के साथ झड़प हुई। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने तोड़फोड़ करने वालों पर निशाना साधा। कहा लोकतांत्रिक देश होने से लोग कर पा रहे हैं इस तरह के प्रदर्शन। झारखंड के लोहरदगा में गुरुवार से लगे कर्फ्यू पर 5 थानों में 2 घंटे की ढील। सीएए के खिलाफ भड़की हिंसा के बाद कर्फ्यू लगाया गया था। झारखंड की गवर्नर द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के डीजीपी को निर्देश दिए। चाईबासा नरसंहार पर सख्त कार्रवाई की बात कही। गणतंत्र दिवस पर असम के 3 जिलों में 5 धमाके, अकेले डिब्रूगढ़ में 3 धमाके। मामले की जांच जारी। पश्चिम बंगाल के बरहमपुर में बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला। जानवरों की तस्करों ने
जवानों पर गोली चलाई, चार गिरफ्तार। शर्जील इमाम को गिरफ्तारी के लिए ढूंढ रही है यूपी पुलिस, दो टीमें दिल्ली में कर रही है तलाश। बिहार के जहानाबाद में शर्जील के घर पर पुलिस पहुंची, एसपी की अगुवाई में जांच पड़ताल। दिल्ली में शर्जील इमाम के खिलाफ केस दर्ज, दंगा भड़काने की कोशिश करने के आरोप में एफआईआर दर्ज। सीए के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल हुए केरल के सीएम पी विजयन, एलडीएफ की तरफ से आयोजित ह्यूमन चेन में लिया हिस्सा। सीए को लेकर शशि थरूर का बयान, कहा मैं ये नहीं कहूंगा कि जिन्ना जीत गए लेकिन वे जीत रहे हैं। शशि थरूर ने कहा सीए के बाद केंद्र जबरदस्ती एनआरसी लागू करना चाहेगी, धर्म के आधार पर नागरिकता देने का विचार पाकिस्तान का। हांगकांग में कोरोना वायरस का छठा मामला आया सामने, चीन के वुहान से आई 47 साल की महिला वायरस की शिकार। चीन में खतरनाक कोरोना वायरस से अब तक 57 लोगों की मौत, अमेरिका अपने लोगों को दूसरे शहर में करेगा शिफ्ट। दूसरे T20 में भारत ने न्यूजीलैंड को 7 विकेट से हराया, 5 T20 में भारत 2-0 से आगे। न्यूजीलैंड की टीम 132 रन ही बना सकी, जडेजा ने सबसे ज्यादा 2 विकेट हासिल किए। टीम इंडिया के कैप्टन विराट कोहली ने किया ट्वीट, सबको गणतंत्र दिवस की बधाई, लिखा जय हिंद।